यहाँ किस काम, क्या नाम है आपका? देवी। कहाँ रहती हो आप? सहसपुर। यहाँ किस काम से आई थी? ऐसी आई थी बस, डेर में बैठने को आई थी बस। डेर में? पूरे आग हो गई थी मेरे शरीर, पूरे शरीर में आग है मेरे। कितने बच्चे हैं आपके? चार है। और कहाँ हैं बच्चे, आपको पता है कहीं कहीं आपके बच्चे? यहाँ पर हैं आप? बच्चे अहमदाबाद। बच्चे कहाँ पर हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद, यहाँ पर कौन देखा वाली करता है आपकी? कोई ना करता, बस बाप करे, मैया करे, तो वो गए वो गाड़ी दौड़िया है, 12 साल की वो करे। तो आप धोखे से अनजाने से गिर गए या कुछ और करना है? बात कुछ ना, बस आग है पूरे शरीर में। आग काहे की है? रोटी पकाते से आग हो गई। रोटी से पकाते आग हो गई थी, कोई और बात तो नहीं जिस्मानी कोई? ना ना, कोई टेंशन जो हुई तो दिमाग तले, उसमें दिमाग में सोले उठे। अच्छा, आपके घर वालों को किसी कोई इन्फॉर्मेशन है, कहीं पता है कहाँ है? घर वाला समझो जी, घर वाला ना नहीं। चलो मैं अभी यहाँ पे आपको बता, आप कहाँ पर हैं? कौन? आप कहाँ पर हैं? अस्पताल। अस्पताल में, क्या नाम है आपका? कितने बच्चे हैं आपके? चार। क्या नाम है बच्चों का? नाम बताइए। बच्चे अहमदाबाद में है। नाम क्या बच्चों के? एक सारिक। क्या नाम है? एक का सारिक नाम है। अच्छा, और मरियम नाम है। और एक का सबिया नाम है। चारों लड़की हैं? एक का वो है सारिक नाम, एक का बॉय बंटी नाम। क्या करते हैं? अहमदाबाद में। अच्छा, ठीक है। ये वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो चलिए आपको बता दें कि मुरादाबाद थाना मुगलपुरा रामगंगा नदी के किनारे एक अज्ञात महिला पड़ी मिली, जिसको क्षेत्र पुलिस ने पानी से बाहर निकाला और नजदीकी हॉस्पिटल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी देखरेख की और उसके बाद उसकी हालत को सही बता दिया। क्षेत्रीय थाना मुगलपुरा पुलिस ने अपने माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। महिला का नाम बेबी है, जो खुद को बेबी राजा का सैसपुर निवासी बताती है, जिसके चार बच्चे अहमदाबाद में रहते हैं। बेबी नामक महिला अपनी मर्जी से नदी में उतरी थी, जो खुद बताती है कि उसके जिस्म में अजीबोगरीब आग हो रही थी, जिसकी वजह से वह नदी में उतर गई थी और उसको क्षेत्र थाना मुगलपुरा पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उस महिला को नदी से बाहर निकाल लिया, जिसे लाइफ केयर सेंटर हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहां डॉक्टरों ने उस महिला की हालत बेहतर बताई। क्षेत्रीय थाना पुलिस ने अब उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हम मुगलपुरा पुलिस के इस सराहनीय कार्य के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।